शुरुआत बस होने वाली है। श्रीनगर रेलवे स्टेशन पे आ गई हूँ मैं। सुबह के 9:22 की मेरी ट्रेन है। स्टेशन दिखा देती हूँ, बिल्कुल साफ सुथरा सा स्टेशन है और इस साइड पे मोदी जी का बड़ा सा स्टैचू लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा लिखा है ये है नया भारत। और मैं जिस बस से आई ना उसने मुझे बिल्कुल ये जो जगह है यहाँ जहाँ आपको रेड रेड ये दिख रहा है बिल्कुल यहाँ पे छोड़ा, बिल्कुल स्टेशन के सामने तक बस आती है, आप उससे आराम से आ सकते हो। स्टेशन के अंदर आपको यहाँ पे शॉप दिखाई देगी जिस पे बल्ले और कश्मीरी ड्रेस है और इस साइड पे ये स्टेशन है। तो अभी मैं खड़ी हूँ श्रीनगर रेलवे स्टेशन पे और आपको पता होगा कश्मीर में बहुत कम ट्रेन्स चलती है और मोस्टली ट्रेन्स होती है लोकल ट्रेन्स। मैं जिस ट्रेन में सफ़र कर रही हूँ उसका नंबर है 04688 और विस्टाडोम ये कोच है और बिल्कुल नई स्टार्ट हुई है इसलिए इसके बारे में विकीपीडिया पे भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो देखते हैं ट्रेन का सफ़र कैसा होता है। फिलहाल स्टेशन पे काफ़ी भीड़ हो गई है और सुबह के बजे हैं 9:24, 9:22 का इस ट्रेन का यहाँ पर टाइम है। ट्रेन बस आने वाली है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही मैं खड़ी हूँ और अनाउंसमेंट होने लगा है। तो ट्रेन दिखने लगी है, सामने से जो इंजन आ रहा है वो ब्लू कलर का है। ये ट्रेन जो है ये आती है बड़गांव से, यानी एक स्टेशन आगे से श्रीनगर के, और बस ट्रेन आने वाली है। तो अपनी सीट रिजर्व है लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है इस ट्रेन में। इस पूरी ट्रेन में सिर्फ एक ही कोच है जो रिजर्व कोच होता है। आपने टच किया और आप पहुंच गए अंदर। अंदर इस साइड पे जैसे ही आप आओगे आपको लगेज रखने का पूरा स्पेस मिल जाता है। भाई ये पूरी की पूरी ट्रेन ही खाली है, इसमें कोई नहीं आया है। ये टूरिस्ट के लिए स्पेशल चलाई गई है, 2021 में ही इनोग्रेट हुई है और बहुत ही शानदार ट्रेन है। अभी हालांकि कश्मीर में स्नोफॉल नहीं हुआ है लेकिन जब अगर स्नो गिरा होता तो दोनों साइड से जो व्यू आता वो स्विट्जरलैंड से कम नहीं होता। और इसीलिए कहते हैं कि भाई कश्मीर स्विट्जरलैंड से कम नहीं है, धरती में कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर ही है, कश्मीर ही है, कश्मीर ही है। और आज मैं इस ट्रेन का सफर करने वाली हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। मतलब इतना एक्साइटमेंट मुझे पहले नहीं था लेकिन जैसे ही मैं ट्रेन में चढ़ी मेरी एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड। बहुत ही प्यारी ट्रेन है, आपको पूरा ट्रेन का टूर करवाती हूँ और देखते हैं कुछ खाने पीने को भी इसमें मिलता है या नहीं मिलता है। मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि क्या है, बाकी इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी देखते हैं कि मतलब कब ये ट्रेन शुरू हुई थी, क्या पर्पज रहा था, किसने इनोग्रेट किया था, वो सब भी। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वॉशरूम वक्त से लेकर खाने पीने और हर एक स्टेशन की डिटेल आपको वीडियो में मैं देने वाली हूँ। तो भाई जो लेग स्पेसिंग है वो काफ़ी शानदार है, आप देखोगे भाई अभी सिंगल सीट है। चार्जिंग के लिए सॉकेट्स दिए हुए हैं, आप यहाँ पे लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हो। और इस साइड पे जो डबल वाली सीट है उसका स्पेसिंग भी काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल प्रॉपर है। और सबसे शानदार फीचर जो इसका है वो मैं आपको दिखाती हूँ। भाई ये पूरी तरह से घूमती हुई है, अभी देखो मैंने पैर रखा है नीचे, एक मतलब प्रेस करने का जो होता है ना उसकी तरह से कुछ है इसको किया और ये पूरी की पूरी आपकी सीट इस तरह से घूम भी जाएगी। ये पूरी सीट आपकी घूम गई, मतलब आप ऑपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकते हो। मैं आपको प्रॉपर ये दिखाती हूँ नीचे मैंने क्या दबाया हुआ है। तो आपकी सीट के नीचे ये होता है, जैसे आप इसको दबाते हो तो आपकी सीट पूरी तरह से ये घूमने लगती है। अब ये फिर से लॉक हो गई है, मैंने इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में कर दिया है। तो भाई मैंने महंगी कराई ट्रेन बुक, 1000 रुपये का इसका टिकट है, लेकिन जब मैं गई इसके वॉशरूम में तो लिटरली ना तो वॉशरूम में पानी, ऊपर से मैं लॉक हो गई, मतलब 5 मिनट तक मैं खटखटा रही हूँ। एक तो यहाँ पे कोई है नहीं जो सुन ले, एक बार का तो मुझे बिल्कुल शॉक लग गया कि बाप रे ये क्या हो गया। फिर जैसे तैसे उसको, क्योंकि सर्दी है तो शायद वो लॉक इतना टाइट हो गया कि मेरे हाथ से खुल ही नहीं रहा था। फिर जैसे जैसे मैंने खोला और फिर अब हैंड वॉश के लिए पानी नहीं था तो मैंने बॉटल में से 2 बूंद बस पानी निकाल के हैंड वॉश किया है। अब तो पूरा स्टेशन पहुंच गई है ट्रेन और वॉशरूम मुझे अच्छा नहीं लगे, मतलब इतना खर्च करके भी अगर ऐसा है तो आई एम नॉट हैप्पी। तो पहला स्टेशन आ चुका है जिसका नाम है अवंतीपुरा। गाड़ी रुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और इस साइड पर आपको दिखाई दे रही होगी कैंटीन
जहाँ से आप उतर के कुछ लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ये जो ट्रेन है ये एक स्पेशल ट्रेन है जो चलती है बडगांव से और बनिहाल तक चलती है। इसका ट्रेन का जो नंबर है वो 04688 है इस ट्रेन का नंबर। और इसमें सिर्फ ये एक ही कोच है जो ईवी कैटेगरी का है, यानी जिसमें थोड़ा स्पेशल कैटेगरी है इसलिए इसका फेयर भी ज़्यादा है। बाकी ये पूरी ट्रेन जनरल है। और जो टोटल नंबर ऑफ स्टेशन है इसके मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले बडगांव पड़ता है, उसके बाद श्रीनगर, उसके बाद अवंतीपुरा, फिर अनंतनाग, उसके बाद में कोझीकोड और फिर बनिहाल। इस तरह से ये ट्रेन चलती है। और पहलगाम जो जाना होता है, जो बहुत पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वो आपको सबसे पास पड़ता है अनंतनाग से। और तो और ये ट्रेन डेली बेसिस पे चलती है, मतलब डेली सुबह यहाँ से चलती है और वहाँ जाती है, फिर वहाँ से यहाँ पे वापस भी आती है। ट्रेन में पेंट्री अवेलेबल नहीं है, यानी अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हैं इस ट्रेन में तो आपको अपने से कैरी करना होगा। एज ऑफ नाउ यहाँ पेंट्री अवेलेबल नहीं हो सकता, फ्यूचर में अवेलेबल हो, लेकिन अभी पेंट्री की सुविधा नहीं है। अब चेक कर लेते हैं ट्रेन के वॉशरूम। इस साइड ये लगेज वाला, वैसे मैंने आपको दिखाई दिया था, ये मैंने किया प्रेस। इस साइड पे वॉशरूम बने हुए हैं, दोनों साइड पे नहीं है, इस कोच के सिर्फ एक ही साइड पे वॉशरूम है और यही वो वॉशरूम है जहाँ मैं लॉक हो गई थी। ये वाला वॉशरूम आप देखो, नीट एंड क्लीन है, छोटा सा प्यारा सा वॉशरूम है। बट अभी इसमें आप देखोगे तो पानी नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों पानी नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता, पानी नहीं आ रहा है। और कुछ इस तरह से है, ये वाला गेट जो है ये वैसे बंद रहता है, आप चाहो तो इसको खोल सकते हो। अभी तक ट्रेन जो है वो अवंतीपुरा में रुकी हुई है, काफ़ी देर हो गई है, मतलब मुझे लगता है 4 से 5 मिनट रुक गई है यहाँ पे ट्रेन। तो जिस कोच में मैं बैठी हूँ ये है ईवी कोच, और इसका जो फेयर है वो है 940 रुपये। और अगर आप सफ़र करना चाहते हैं जनरल में तो सिर्फ 50 रुपये देख के आपका सफ़र हो जाएगा, मतलब पूरा बडगांव से बनिहाल का एक ही किराया है। आप चाहे बीच में उतर रहे तो मोस्टली आपको 50 रुपीज़ ही पे करना पड़ता है। लेकिन वो जो कोच है और उस कोच में मेन जो डिफरेंस है वो है ये शीशे का, यहाँ से जो व्यू आते हैं वो बहुत ही अमेजिंग आते हैं। हालाँकि गर्म ये भी रहता है, गर्म वो भी रहता है, मतलब वहाँ पर भी जो खिड़कियाँ होती है ना वो पूरी तरह से बंद रहती है, ऐसा नहीं कि आपको ठंड वंड लगेगी या कुछ भी, ऐसा पूरी तरह से पैक वो भी रहता है। उसमें भी हीटर, मतलब जो गर्म हवा के लिए होता है वो चल रहा होता है। तो सुविधाएं दोनों की सेम ही है, लेकिन अगर आप थोड़ा मज़ा लेना चाहते हैं, और सच बताऊं कि इस कोच में बहुत कम बुकिंग होती है, तो अकेले ऐसा फील लेना चाहते हैं कि यार मैं तो आज मतलब 940 रुपये में अमीर बनने वाला फील लेना चाहती हूँ, तो इसको बुक करवा लो। बाकी अभी क्योंकि स्नो नहीं है, जब स्नो होगी तो आप इमेजिन करो सारी तरफ बर्फ़ की चादर बिछी हुई है, और ये जो ऊपर की साइड है यहाँ से भी आपको व्यू दिखाई देगा, ओपन व्यू जिसे कहते हैं, उसका मज़ा इससे दिखाई देगा। अगर स्नोफॉल हो गई तो ये जो ऊपर शीशे जैसा दिख रहा है ना, यहाँ से भी आपको अपने ऊपर बर्फ गिरती हुई सी मतलब फील आएगी। तो जब बर्फ गिरेगी तब तो इस ट्रेन का बहुत मज़ा आएगा। तो आप मतलब ये भी कर सकते हो, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, इनफैक्ट मेरे भी एक दो ट्रेन ब्लॉगर्स जो फ्रेंड है ना, वो लोग ये करते हैं, क्या करते हैं, श्रीनगर आके रुक जाते हैं, जिस दिन स्नोफॉल होता है ना उसी दिन ट्रेन पकड़ते हैं और निकल जाते हैं। तो वो मज़ा भी आप ले सकते हो थोड़े दिन श्रीनगर, उसी टाइम पे आओ वेदर प्रिडिक्शन देख के कि हाँ भाई अभी इन दिनों में स्नोफॉल होने का चांसेस है, उसी टाइम पे आओ और फिर रुको वहाँ पे, जिस दिन स्नोफॉल हो उस दिन ट्रेन पकड़ो और निकल। भाई अब आ गया अपना नेक्स्ट स्टेशन जो कि है अनंतनाग, और यहीं से पहलगाम सबसे पास पड़ता है। अनंतनाग बहुत बड़ा सिटी है और यहाँ पे आपको काफ़ी सारा मार्केट वगैरह भी मिलता है। बार बार यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही है कि अनंतनाग आ गया है। तो अभी ट्रेन आ पहुंची है अनंतनाग में, और इसको बोला जाता है इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद में यानी इस जगह पे वही लोग रहते हैं जिनकी वीडियो मैं बना चुकी हूँ। आपने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी गुठली बाग वाली तो वो ज़रूर देखिएगा। उनकी भाषा, उनका कल्चर, उनका रहन सहन, उनके खाने पीने का तरीका सब कुछ बिल्कुल सेम है अफगानिस्तान जैसा। और उनके घरों की बेटियों की शादी इस जगह पर भी होती है, क्योंकि करीबन 200 से 400 घर यहाँ पे भी उनके हैं। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, वैसे ये पहलगाम के लिए भी बहुत अच्छा स्टॉप है, अगर आप पहलगाम जाना चाहते हैं
श्रीनगर से तो सबसे सस्ता ऑप्शन यही है, 50 रुपए की टिकट लेना है, यहाँ उतर जाना और यहाँ से फिर पहलगाम कैसे जाना है वो वीडियो के एंड में पता चल जाएगा आपको, तो वीडियो को उसके लिए आपको एंड तक देखना होगा। बाकी अभी सफर चल रहा है, मजे चल रहे हैं, काफी मजा आ रहा है, दृश्य बहुत ही सुंदर है और लग रहा है कि हाँ हिंदुस्तान की जन्नत कश्मीर में मैं पहुँच गई। ट्रेन चली थी श्रीनगर से 9:25 पर और अभी हो रहा है 10:20 का समय और ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पहुंच गई है अनंतनाग रेलवे स्टेशन के। तो इस ट्रेन की सीट्स काफ़ी गद्देदार है, मतलब बहुत ही कंफर्टेबल आपको लगेगी और पुश बैग के साथ ही आती है, आप चाहें तो इसको पूरी तरह से इस तरह से बैक साइड ले जा सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, लेग स्पेस और ये सब मिला के काफ़ी स्मूथ, काफ़ी आरामदायक आपकी जर्नी इसमें होने वाली है। तो फाइनली ट्रेन जो है वो अनंतनाग से चल चुकी है और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 5-7 का स्टॉपेज था, तो मतलब इस ट्रेन का स्टॉपेज हर स्टेशन पे काफ़ी अच्छा खासा होता है। ये स्टेशन जो है ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप नहीं है, आप प्लेटफॉर्म भी देखोगे तो काफ़ी रॉ और बेसिक सा प्लेटफॉर्म यहाँ पे बना हुआ है। ट्रेन अब आगे की तरफ बढ़ रही है और खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लेते हुए, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी अभी आपने सुना नहीं सुना होगा शायद कि अनाउंसमेंट हुआ था टूरिस्ट ट्रेन, अब इसके बाद अब आने वाला है काजी गॉड, ये नेक्स्ट स्टेशन है और इसके बाद में अपना लास्ट स्टेशन आ जाएगा काजी गुंड, इन्होंने लिखा हुआ है हिंदी में और काजी गुंड लिखा हुआ है इंग्लिश में। और इस ट्रेन को कहा जाता है टूरिस्ट ट्रेन क्योंकि ये टूरिस्ट के लिए ही स्पेशली चलाई गई है इस रूट पे। तो सब लोग कहते थे कि कश्मीर में ट्रैवल करना बहुत महंगा है और इधर से उधर जाने के लिए ट्रेन का साधन नहीं है, उसी को ध्यान में रखते हुए जब से ये यूटी में आ गया है, मतलब जब से कश्मीर में वो 370 जो भी था उसको हटा दिया गया, उसके बाद से ये ट्रेन चला दी गई है, टूरिस्ट स्पेशल ट्रेन ये है ताकि टूरिस्ट को इधर से उधर जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो और जिनका बजट कम हो वो भी अब कश्मीर आ सकते हैं और इस जन्नत का मज़ा ले सकते हैं। तो ये देखो ट्रेन चल रही है अपनी बिल्कुल मस्त वाली और ठंडी ठंडी हवा चल रही है जिसमें ये हल्की सी धूप आ गई है, शानदार नज़ारे हैं और बहुत ही लाजवाब मज़ा आ रहा है, एकदम शानदार जानदार जबरदस्त जिंदाबाद। भाई अब काजी कुंड जो कि नेक्स्ट रेलवे स्टेशन है वो आने वाला है, ये देखो इस साइड पे छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से सुंदर सुंदर से घर और उनके बीच में पेड़, हालांकि धुंध है और थोड़ा शीशा भी साफ नहीं है तो उतना साफ नहीं दिख रहा होगा, बाकी मैं कोशिश करती हूँ इस स्टेशन पे उतरूँ और आपको दिखाऊँ ये स्टेशन कैसा दिख रहा है। बिल्कुल बगल बगल में ही जो बोलते हैं ना प्लेटफॉर्म जैसा दिखाई देने लगा है, बस स्टेशन आने ही वाला है। अभी ट्रेन जिस जगह पे रुकी है इसका नाम है सदुरा और यहाँ पे वैसे स्टॉप नहीं है, अचानक से बस रुक गई है, हो सकता है थोड़ी देर में वापस चल दे। बिल्कुल कोच के सामने ही यहाँ पे शॉप है जहाँ से कुछ खरीद सकते हैं, यहाँ पे चाय कॉफ़ी कहवा और खाने पीने की भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही है। बाकी मैं आपको एक फटाफट से बैक साइड से स्टेशन का लुक दिखा देती हूँ। ये ट्रेन बाहर से कुछ इतनी अच्छी सी दिखाई दे रही है, ये स्टेशन है, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा स्टेशन है, पीछे ही यहाँ पे पूरा बना हुआ है रहने वाला जो रेलवे के कर्मचारी होते हैं उनके लिए, इसी साइड पे यहाँ पे ये दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए ब्रिज भी बना हुआ है, छोटा सा प्यारा सा स्टेशन है, कुछ लोग ही उतर रहे हैं, वैसे ये स्टॉप नहीं है तो उतरने का कुछ बनता नहीं है। बाकी अगर इस ट्रेन के कोचेस की बात करें तो ये देखो एक कोच वो है, ये वाला कोच है, उसके आगे वो है और ये है, तो टोटल 4 कोच ये हैं और 1 कोच ये है, 5 ही कोच की ये ट्रेन है। तो मुझे तो लगा था कि काजीकुंड रेलवे स्टेशन आ गया है लेकिन ऐसा नहीं था, वो काजीकुंड की जगह सदुरा निकला जहाँ स्टॉप भी नहीं था, बट ट्रेन यहाँ पे भी रुकी है, मतलब मुझे लगता है जहाँ से भी लोकल्स का इंटरेस्ट होता है चढ़ने का ना, वहाँ नॉर्मली मैंने हर जगह ट्रेन देखा है कि ट्रेन रुक ही जाती है, मतलब
हालांकि उस अकॉर्डिंगली आप प्लान करके नहीं चल सकते हैं, मतलब अगर किसी को सदुरा तक आना है तो वो ये सोच के ही नहीं चल सकते कि हाँ हम यहाँ पे आ ही जाएंगे, बट स्टिल आप आ सकते हैं। तो भाई सामने से जा रही है ये जनरल ट्रेन, तो देख लो आप इसी तरह के कोचेस इस ट्रेन में भी हैं, सिर्फ इस वाले कोच को छोड़ के, और उसके भी पूरे आप देख लो सीट्स के सामने शीशे लगे हुए हैं, हालांकि गेट उसका बंद नहीं दिख रहा है मुझे। ये वाला जो आया अभी कोच इसका बंद है, यानी ये थोड़ा रिजर्व वाला होगा, ये बिल्कुल जनरल होगा। ये दिख गया बनिहाल, बडगाम और बारामुल्ला, ये जा रही है बारामुल्ला तक ट्रेन। भाई अब ट्रेन जो है वो थोड़ी ऊंचाई पर है, इसलिए सारी चीजें नीचे छोटी छोटी सी क्यूट क्यूट सी दिख रही है, और यहाँ बर्फ होती है यार, आई एम मिसिंग इट। बट आप जरूर आना वेदर फोरकास्ट चेक करके ही, और स्नो का मजा लेना इंडिया में स्विट्जरलैंड वाला। तो भाई अब फाइनली काजीगुंड आ चुका है, और ट्रेन थोड़ी लेट चल रही है, मतलब मुझे एक्सपेक्टेड तो नहीं था कि लेट चलेगी, लेकिन ट्रेन थोड़ी लेट है। ये ऑलमोस्ट लास्ट स्टॉप है, मतलब इसके बाद एक ही वो बच जाता है। ये देखो लोगों की भीड़ है यहाँ पे थोड़ी, और हर जो ये आ रहा है ना, ये वाला शॉप जहाँ से आप खा पीने का ले सकते हो, वो कोच के बाहर ही आ जा रहा है बिल्कुल। अब जो है धूप आ चुकी है, छोटे छोटे से टनल्स आ रहे हैं बार बार, और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। अभी मैं बाहर से भी आपको दिखा दूँ, बड़ी सी टनल आ गई है मस्त वाली। फाइनली ट्रेन निकल गई है टनल से बाहर, और बाहर निकलते ही नज़ारे देखो, बहुत ही सुंदर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और चारों तरफ मस्त वाले पेड़ पौधे दिख रहे हैं। तो अब आपको इधर की साइड पे दिख रहे होंगे ये सारे घर जो हैं वो बिल्कुल ग्रीन कलर में बने हुए हैं, और मुझे लगता है अब बनिहाल, अरे वाह बनिहाल आ गया है। तो अपना सफ़र जो है वो ख़त्म हो गया है, और ठीक 11:30 बजे ट्रेन है बनिहाल रेलवे स्टेशन पर। बनिहाल प्रेजेंट स्टेशन बनिहाल। तो आज की ट्रेन का ये जो है लास्ट स्टॉप है, और यहाँ पे आपको मतलब थोड़ा ये स्टेशन मुझे बड़ा लग रहा है, इसके पीछे काफ़ी कुछ बना हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिक घर, मतलब बिजली घर, कम्युनिटी सेंटर, काफ़ी कुछ है, मतलब ये काफ़ी बड़ा स्टेशन है। बार बार अनाउंसमेंट हो रही है, लास्ट स्टेशन आ चुका है। तो ये ट्रेन जैसे ही आती है आपको सामने की तरफ दूसरी ट्रेन दिखने लगती है, और ये भी जाती है बनिहाल से वापस बडगाम, और बडगाम से आगे बारामुल्ला, और अब मैं इसी ट्रेन से वापस जाने वाली हूँ पहलगाम की तरफ। तो आपको जो जनरल कोच है ना 50 रुपये की टिकट वाला, वो भी दिखाऊंगी, और उसका सफ़र भी दिखाऊंगी, कितनी भीड़ होती है, कितनी आसानी से टिकट मिलती है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, अभी उतरने का समय आ चुका है, उतरते हैं और फिर से दूसरी ट्रेन पकड़ लेते हैं। ट्रेन ने लगभग 11:20 पर पहुंचा दिया बनिहाल रेलवे स्टेशन। अब क्योंकि मुझे तो वैसे पहलगाम जाना है, आपको जर्नी दिखानी थी इसलिए मैं यहाँ तक आई थी, तो ये जर्नी जरूर यहाँ एंड हो जाती है, लेकिन ये वीडियो यहाँ एंड नहीं होगी क्योंकि मैं आपको अभी जनरल का सफ़र करवाने वाली हूँ। मैंने ले लिया है टिकट जो कि है 50 रुपये का, ये जनरल वाला टिकट, और इसमें बैठ के अब मैं वापस जाने वाली हूँ अनंतनाग तक, जहाँ से मुझे जाना है पहलगाम। तो अभी आपको जनरल का सफ़र करवाऊँगी, दिखाऊँगी जनरल में ठंड लगती है या नहीं लगती, सुना नहीं लगती, लेकिन जाने के बाद जब एक्सपीरियंस करूँगी तभी रियलिटी बता पाऊँगी। तो अब अपनी ट्रेन आ चुकी है जिसमें बैठना है, यही ट्रेन खाली होगी और इसी ट्रेन में लोग वापस चढ़ जाएंगे। ये जनरल है पूरी ट्रेन, इसमें विस्टाडोम मुझे नज़र नहीं आ रहा है, विस्टाडोम वाली ट्रेन ऐसे भी स्पेशल ट्रेन है। चढ़ते हैं अब, फिर इसमें सीट रोकनी पड़ेगी, तब तक के लिए बाय बाय। अब मैं बैठ गई हूँ जनरल में, 30 रुपये का टिकट था, मैंने बाहर थोड़ा गलत बोल दिया था, 50 रुपीज़, 30 रुपये का टिकट है अनंतनाग का, और इसमें भी ठंड नहीं लग रही है, मतलब क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे भी हॉट मतलब जो एसी है वो चलता रहता है, तो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट थी। बैठ गया, ट्रेन बहुत ज़्यादा भरी भरी अभी तो नहीं लग रही है, आगे से भरेगी तो मैं बता दूँगी। चढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, हालाँकि भीड़ लगी रहती है, तो लगता है कि भाई जैसे हमारे साइड नहीं होता लोग
भाग रहे हैं, बैग इधर से फेंक रहे हैं, कूद रहे हैं, उस तरह से तो नहीं हुआ। बहुत डिसेंसी के साथ लोग अपन ने अंदर आ गए और आराम से बैठे। तो ये अब ट्रेन चल दी है। थोड़े इसके वाली के शीशे जो हैं वो आपको ख़राब से दिख रहे होंगे क्योंकि थोड़ा क्लीन नहीं है बाहर से, लेकिन व्यूज़ बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं जब आप नंगी आंखों से देखोगे। तो अब जिस ट्रेन में मैं बैठी हूँ जिसका प्राइस मैंने पे किया 30 रुपये मिनिमम किराया है ये, मतलब अगर आपको कहीं से एक स्टेशन भी जाना है तो भी आपको 30 रुपये तो देने ही पड़ेंगे। और ये ट्रेन जो है ये जाती है बारामुल्ला तक, मतलब कि स्टार्ट होती है बनिहाल से, बारामुल्ला तक जाती है, बीच में श्रीनगर भी आता है। और जिस ट्रेन में मैं आई थी उस ट्रेन की तरह ये नहीं है, मतलब वो टूरिस्ट स्पेशल ट्रेन चलाई गई है 2021 में, ये जनरल ट्रेन है। और इस ट्रेन का जो नंबर है वो है 04613। तो अभी इसका सफ़र करते हैं और पहुँचते हैं अनंतनाग। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ अनंतनाग, जहाँ मुझे आना था। ट्रेन है पीछे और स्टॉप है 2 से 3 मिनट का, ऑलरेडी सायरन बज गया है। काफ़ी अच्छा ये सफ़र रहा मुझे, मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि जनरल में मैंने सफ़र किया है तो ठंड लगी या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी या भीड़ भाड़ का सामना या लोगों का भी मतलब कुछ दंगा फसाद कुछ भी नहीं, बल्कि एक अच्छी चीज़ थी इसमें ना, बीच बीच में चीज़ें बेचने के लिए भी लोग आ रहे थे। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ट्रेन चल दी है तो बाय बाय, आज का सफ़र यही ख़त्म करते हैं। और इसी के साथ साथ मी पूजा साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कश्मीर के कुछ और रिमोट एरियाज़ के बारे में।